Assalamualaikum dear friends, today I will discuss the solve problems of chapter number 14 summary. Summary के जो most important miracles हैं जो हम लिखे हुए हैं, जिन miracles बहुत ज़्यादा universities के लिए important हैं, ये बार-बार universities में board में बहुत ज़्यादा आते हैं. तो इसको मैं इंशाल्लाह conceptually sort out करूँगा ताकि इसको solve करने में भी आपकी आसानी रह सके. चलिए video को start करते हैं. 14.14 का A part है. 2% of the trees in a plantation are known to have a certain disease. तो फर्ज कर लेते हैं कि P is equal to proportion, P is equal to proportion of diseased plants. Diseased, कौन से प्लांट्स हैं? Diseased plants की जो proportion हमें given है कितनी लिखी हुई है? 2%. तो हमारे पास जो म्यू पी हैट जो है यानी इक्वल टू पी, आपके पास क्या गिवन है? 2 गिवन है. आपको पहले टेक्निक बताई हुई है कि म्यू पी हैट जो होता है इक्वल टू होता है पी के बराबर. हमेशा याद रखिएगा म्यू पी हैट इक्वल होता है म्यू पी हैट. हमने लास्ट प्रैक्टिकल जो किया था उसके अंदर लिखा हुआ है कि म्यू पी हैट इक्वल टू होता है पी के बराबर. हमेशा याद रखिएगा, मतलब पी की वैल्यू अगर 2% है, क्या लिखी हुई है? 2%. तो 2% कितना होता है? 0.02. हमें P की वैल्यू जो गिवन है वो क्या गिवन है? 0.02. याद एक बात क्लियर है कि 2% ऑफ द ट्रीज या प्लांटेशन आर नॉट हैविंग डिजीज प्लांट. तो प्रोपोर्शन ऑफ डिजीज प्लांट जो हमें गिवन है 2% गिवन है, व्हिच इज इक्वल टू 0.02. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 250, मतलब स्मॉल n जो हमें यहां गिवन है वो है 250. यहां तक बात क्लियर होगी. नेक्स्ट करना कि हमने लेस देन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. पहली चीज उसने की है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्रोपोर्शन के हिसाब से लेस देन 1%. मतलब क्या हुआ? लेस देन ये सारे आ जाएगा 1%. क्या लिखा हुआ है? 1%. इसे मैं यू भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट लेस देन, क्योंकि 1% कितना होता है? 0.01. यहां क्या आएगा? 0.01. मतलब हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट लेस देन 0.01 फाइंड करना है. पहली बात क्लियर हो गई है. दूसरी बात में क्या कह रहा है? मोर देन 4%. सेकंड में कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी हैट मोर देन क्या शो करेगा? ग्रेटर देन. ठीक है, लेस देन अगर लेस देन गेट मोर देन चलेगा तो ग्रेटर देन आ जाएगा. 4% यहां आ जाएगा 4%. नेक्स्ट यानी से वीडियो भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट वो ग्रेटर देन या ग्रेटर देन 0.04 हमने करना है, फाइंड आउट करना है. बहुत आसान है ये चीज जो है. हमने जो लास्ट लेक्चर दिया था ऑड नंबर्स के लिए, प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स के लिए, वो लेक्चर आप लास्ट में देखिएगा, तो उसमें हमें क्लियरली बताया कैसे सॉल्व आउट करते हैं. बहुत आसान ठीक है, क्योंकि लेस देन लिखी हुई है. पहला सॉल्व आउट करता हूं मैं. आपने सिंपल से क्या करना है? सिंपल आप लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट, क्योंकि लेस देन का साइन है तो आपने क्या लिखा यहां पर? -1/2n. ठीक हो गया, फिर माइनस म्यू पी हैट डिवाइडेड बाय सिग्मा पी हैट लगा देना है. ठीक हो गया, लेस देन एज इट आ जाएगा. इसे सॉल्व आउट करेंगे, जो सॉल्व वैल्यू आएगी वो हम यहां लिख देंगे. चलिए चलिए सॉल्व आउट करता हूं मैं. पी हैट -1/2 की बात करें, ये चीज आपने पहले सिखाई हुई आपको मैंने कि +-1/2n जो होता है कंटिन्यूटी करेक्शन. ये चीज क्या होती है? कंटिन्यूटी करेक्शन. लास्ट टाइम जो डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि अगर गेट लेस देन हो तो यहां माइनस आता है, अगर गेट देन है तो क्या आएगा? यहां प्लस आ जाएगा. पहले सॉल्व आउट करते हैं, जो वैल्यू आएगी आप यहां लगा देंगे. कैसे? देखें जरा, p हैट -1/2n. अब देखिए p हैट में क्या गिवन है? p हैट कौन सी वैल्यू है? p हैट आपके पास कौन सी वैल्यू है? 0.01. यही आपने वैल्यू याद लगा देनी है, 0.01. समझ आ गई बात? जो वैल्यू लिखी होगी उसके सामने -1/2n, n आपके पास क्या गिवन है? 250. यहां आ जाएगा 250. इसे सॉल्व आउट करते चले, 1/2 सॉल्व करता हूं 0.01 -1/-1/2 मल्टीप्लाई बाय 250. इज दैट क्लियर? 0.01 -1/2 मल्टीप्लाई बाय 250. आंसर आया है -1. ओवर से मैं दोबारा करता हूं, 0.01 को मैं इजीली जाने देता हूं, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 250. आपके पास आया है 125. यहां आ गया आपके पास 125 आ गया है. 0.01 को अब 0.01 को माइनस करता हूं 125 के साथ, आंसर आया -124.99.
यही वैल्यू जो आई है आपने याद लगा देनी है, जो वैल्यू हासिल होगी आपने याद लगा देनी इसके सामने, -124.9 है। इज दैट क्लियर? माइनस म्यू पी आर का वैल्यू क्या थी, म्यू पी आर का वैल्यू था पी के बराबर, पी इज इक्वल टू क्या 0.02, यहां आ जाएगा 0.02। अब बात करते हैं सिग्मा पी आर क्या चीज होती है, ये चीज आपको पहले डिस्कस की हुई है कि सिग्मा पी है जो होता है इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ पी क्यूब ओवर है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर और नंबर जो प्रोपोर्शन का और नंबर का लेक्चर दिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते, वो लेक्चर आपने लास्ट भी देखना है। सिग्मा पी आर जो होता है तो पी क्यूब ओवर होता है, सिंपली चीज पी हमें बाद में मौजूद है, पी हमारे पास क्या है 0.02 ऐसे ही है, तो क्यों क्या आएगा, पी हमारे पास क्या है 0.02, पी इज इक्वल टू 0.02, तो क्यों होता होता है 1 माइनस पी होता है 1 माइनस 0.02। चेक करते हैं 1 माइनस 0.02 आंसर है 0.98, आपके पास आंसर है 0.9, इसे सिंपलीफाई कर देता हूं मैं, इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू मतलब ये हुआ आपके पास आएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय क्यू, आपके पास ये आ जाएगा 0.98 आ जाएगा डिवाइडेड बाय एंड आपके पास वही 250 आएगा। इसका करना आपने स्क्वायर रूट लेना, आपके पास सिग्मा पी आ जाएगा। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.98 ठीक हो गया, इसको आपने डिवाइड कर देना जो आंसर आएगा 250 के साथ 250 ठीक हो गया, जो वैल्यू आई इसका आपने करना है स्क्वायर रूट लेना है, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.008 आ जाएगा ठीक है, 1, 2, 3 डेसिमल्स आएंगे आपके पास 0.008 आंसर आ जाएगा आपके पास, एक सेकंड 0.008 आंसर आ जाएगा। ये आया आपके पास सिग्मा पी है, ये जो भी वैल्यू आई है आपने यहाँ लगा देनी है 0.008, यहाँ तक पांच जो आपके लिए रिवर्सिटी होगी, बाकी वही मल्टी जो आपको पहले बताया हुआ है ये x माइनस z होता है, नॉर्मल दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि x माइनस न्यू ओवर सिग्मा किसके बराबर होता है, z के बराबर होता है, ऐसा ही है। तो ये शेप देखा जाए तो ये शेप बिल्कुल वही है, ये x है, ये न्यू है, ये क्या है सिग्मा है, व्हिच इज कनेक्टेड टू z, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बात देगी, सारा कनेक्ट हो जाएगा z के अंदर, लेस देन से आपने जस्ट सिंपलीफाई करना है इसको, माइनस का डिवाइडेड बाय दिस, इसको सॉल्व करना है आपके पास, लेस देन नहीं होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 5, थ्योरम के मुताबिक जो थ्योरम डिस्कस किए हुए हैं कि वैल्यू ऑफ z लेस देन इज इक्वल टू 5 ऑफ a। इसके बाद हमें टेबल जो यूज करना है वो है स्टैंडर्ड क्यूमुलेटिव नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल एंड क्यूमुलेटिव नॉर्मल टेबल आपने यूज करना है, उसके जरिए से अपनी वैल्यू आराम से कन्वर्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड करना है, ग्रेटर सेम यही वर्किंग करनी है, मैं हिंट दे देता हूं उसके बाद, सेकंड जब भी आएगा सिग्मा पी आपको पता लग गया है 0.08, सेकंड जब कहते हैं ग्रेटर देन साइन होगा आपके पास मोर देन वाला, ये कैसे करना है सेम यही वर्किंग है, पॉइंट जो पी है लिख देना यहां आ जाएगा +1/2 है, ये चीज आपको पहले सिखा दी है, क्योंकि अगर ग्रेटर देन आएगा मैंने कहा था लेस देन होगा तो यहां माइनस आ जाता है, ग्रेटर देन है तो यहां क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, बाकी वही सेम वर्किंग है खुद कर लेंगे आप, माइनस क्यू पी आई और सिग्मा आपको ठीक करने ठीक आपने बता दी है, सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा वही चीज लेस देन, ये जो भी हासिल वैल्यू हासिल होगी आपने यहां लगा देनी है, माइनस म्यू पी एंड वही जो वैल्यू लिखी हुई यही आ जाएगी, सिग्मा पी एंड यही आ जाएगा, बाकी से सॉल्व आउट कर देना आपने, सॉरी ये साइन जो है ना यहाँ पर ग्रेटर का साइन, देखो ग्रेटर साइन जो हो रहा है यहाँ क्या आएगा ग्रेटर का साइन, से सिंपलीफाई करना आप ये सॉल्व आउट कर लेंगे। छोड़ो मैं आपको पहले बता दी है मैंने कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन ए हो इक्वल टू होता है 5 ऑफ ए, ये याद रखिएगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन ए हो इक्वल टू होता है 1 माइनस 5 ऑफ ए, ये बात होगी। दूसरी बात आपने याद रखी है कि 5 ऑफ माइनस ए इक्वल टू होता है 1 माइनस 5 ऑफ ए, ये भी चीज याद रखनी है, 5 का माइनस ए इक्वल होता है अगर नेगेटिव में आएगा तो इसका सॉल्व करना है 1 माइनस 5 ऑफ ए, ये चीज याद रखनी है। दूसरी बात 5 ऑफ 0 जो होता है 0.5 होता है, ठीक हो गया, 5 माइनस 20 0 होता है, 5 प्लस 20 क्या होता है 1 होता है, ये आपको मैं एमसीक्यू बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट आप देखते हैं बी पार्ट, बी पार्ट सेम एज इट इज है, चलिए मैं इनको हिंट दे देता हूं, सपोज दैट 60% ऑफ अ सिटी, यहां पर फर्ज कर लेते हैं म्यू पी हैट इक्वल टू पी, यानी प्रोपोर्शन जो हमें गिवन है कितनी गिवन है 60%, यहां क्या आ जाएगा हमें गिवन है 0.60,
ठीक हो गया। क्यों जब आपने फाइंड करना है वही आ जाएगा 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस 0.60 करना है, आपके पास क्यों भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो लिखा हुआ है फेवर्स पब्लिक फंडिंग फॉर अ प्रपोज रिक्रिएशनल फैसिलिटी ऑफ इफ 150 मेंबर्स एंड आपके पास आ गया है 150 पर्सन आर टू बी रैंडमली सिलेक्टेड इंटरव्यू दैट इज अ वैलिड एट एग्जांपल प्रपोजल फेवरिंग रेशियो विल बी लेस देन 0। तो बहुत आसानी है, हमने क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैड लेस देन 0.52 फाइंड आउट करना है। तो ये चीज तो आपने पहले सीख ली, लेस देन कैसे करते हैं ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है, सिंपल ये भी वर्किंग करनी है आपको सॉल्व करनी है, यानी वही पी हैड माइनस 1/2 आ जाएगा, फिर माइनस म्यू पी हैड डिवाइडेड बाय सिग्मा पी हैड आ जाएगा। ठीक है, लेस देन जो वैल्यू हासिल होगी आपने यहां लगा देनी है, जिस तरह हमने ये चीज की थी सेम यही वर्किंग, जो वैल्यू हासिल इधर लगा देनी है, इस तरह आपने इसे सॉल्व आउट कर देना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये कहते हैं दोनों न्यूमेरिकल के ट्रिक्स आपको पता लग गई होगी कैसे इसे सॉल्व आउट करना है, लेकिन दोबारा आपको बताऊंगा इस लेक्चर को देखने से पहले मेरा लेक्चर मैंने अपलोड किया है और नंबर्स का पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और नंबर्स के लिए, वो लास्ट में देखिएगा, उसका एंडिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कैन यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।